प्रोफाइल से संबंधित कोई भी काम करने के लिए या ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोफाइल पासवर्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आप एक और बात समझ लें, ये जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यूज मल्टीलिंगुअल इमेज बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड। अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड सेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो फिर पासवर्ड का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ये जैसे इस पर आपने क्लिक किया तो ये यहाँ पर मल्टीलिंगुअल इमेज बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। इससे जब आप पासवर्ड सेट करेंगे तो इसमें दो खासियतें, एक तो ये मल्टीलिंगुअल है तो अभी जैसे ये इंग्लिश में आ रहा है, ये ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, ये इंग्लिश है, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उसमें इसको सेट कर सकते हैं। हिंदी चाहिए तो हिंदी, उड़िया, जो भी चाहे वो आपको मिल जाएगी। तो जो लैंग्वेज आप चाह रहे हैं उसके अल्फाबेट नंबर्स और उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर की जगह ये जो स्पेशल इमेजेस हैं वो कम से कम दो आपको चुनना होगी, तब आपका ये पासवर्ड सेट होगा। और अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो जैसा आपको बताया था उस तरह से आप पासवर्ड कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसको कैसे यूज करें हम देख लेते हैं। हमने इंग्लिश लैंग्वेज चुनी है तो अल्फाबेट में हमने मान लीजिए ले लिया राम, ये हम यहां से चुनते जाएंगे, आर ए एम, और इसके बाद हमने नंबर्स ले लिए कुछ 1, 2, 3, और स्पेशल इमेजेस दो कम से कम हमको लेना है तो हमने एक तो ये ले लिया एरो और दूसरी ये ले ली क्लॉक। इस तरह से कम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड और ज्यादा से ज्यादा 20 कैरेक्टर्स का पासवर्ड हमको बनाना रहेगा। अब जो पासवर्ड हमने यहां पर डाला है वो ही पासवर्ड हमने कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड में भी डाल दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर आपको यहां पर ये दो बार्स नजर आएंगे, एक है हिंट क्वेश्चन का और दूसरा है हिंट आंसर का। इनकी जरूरत उस केस में आपको पड़ेगी, मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और बैंक से अगर आप फिर से पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो बैंक सुरक्षा की दृष्टि से आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछेगा जो आप यहां पर चुनेंगे और आपको उसका वही जवाब देना होगा जो आप यहां पर टाइप करेंगे, ताकि बैंक को यह विश्वास हो जाए कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका यह खाता है, क्योंकि ये प्रश्न और उत्तर केवल आपको ही पता होंगे। तो हिंट क्वेश्चन में यहाँ एरो पर हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट क्वेश्चंस की आ जाएगी, इसमें से जो प्रश्न आप आसानी से याद रख सकें वो आप चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने प्रश्न चुना विच कंपनी शेयर्स यू बॉट फर्स्ट, और यहाँ पर हमको उसका जवाब देना है, यहाँ पर हमने जवाब दे दिया रिलायंस। इससे आगे अब हम बढ़ेंगे, नीचे है प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहाँ पर ये जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो आपको प्रोवाइड करना है। सबसे पहला है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो कैलेंडर का चिन्ह बना हुआ है इसकी मदद से आपको डेट यहाँ पर डालनी है, इस पर क्लिक कर दें। हमको चाहिए 1960 तो हम यहाँ पर जाकर के 1960 चुन लेंगे, जो भी सन आपको चाहिए वो आप चुन लें। उसके बाद मंथ चेंज कर लें, हमको जनवरी चाहिए, ये हमने जनवरी कर लिया, और अब हम चुन लेंगे डेट, ये हमने चुना 1 जनवरी, 1 पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर अपने आप 1 जनवरी 1960 आ गया है। अब यहाँ पर हमको लेना है प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे इंदौर, और अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है, योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली। किस दिन हुआ है वो तारीख भी यहाँ पर आ गई है, समय भी आ गया है। तो इस तरह से हमने यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर लिया है। अब आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। और अब ये पासवर्ड्स सेट हो जाने के बाद ये यहां पर दाएं हाथ पर कॉर्नर में लॉग आउट लिखा हुआ है, लॉग आउट करने के लिए इस पर क्लिक कर दें और ये आप लॉग आउट हो गए।